पूरी हो, इंसाफ मिले और भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसको लेकर बहुत बड़ी भूमिका होती है आप जैसे जनप्रतिनिधियों की। जी बिल्कुल सही है, आपने कहा। आज इसी कार्यक्रम को लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी कानपुर आए थे, सबसे पहले आए थे क्योंकि पिछले दो दिन पहले मनीष शहीद हो गए थे, उनको पुलिस की लापरवाही से अपनी जान देनी पड़ी और उसी सिलसिले में आज हमारी जो बहन है उनके परिवार से मिलने हमारे श्री अखिलेश यादव जी आए और आते ही उन्होंने परिवार से मिले, CBI की जांच के लिए कहा और ऐसी नजीर के लिए कहा। देखिए इससे पहले जब दो दिन की बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुना था जो आपके लोकल यानी कानपुर के न्यूज वाले हैं रितेश हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो सबसे पहले योगी जी ने उनको पैसे भेजे 10 लाख रुपए और परिवार को मिलने से भी नहीं कहा होगा, पर अखिलेश जी ने आके सबसे पहले इनको 20 लाख रुपए देने की घोषणा करी जो आपके चैनल में चली और मांग करा इस परिवार को 2 करोड़ रुपए की मदद हो सके ताकि परिवार का जीवन चल सके और हमारी बहन जिन्होंने अपने शोहर को खोया है उनके लिए सरकारी नौकरी की बात करी गई है ताकि वो आगे अपने जीवन को जी पाए। देखिए पुलिस इससे पहले भी आपको याद होगा कानपुर में एक घटना हुई थी जो संजीव यादव थे जिसका अपहरण हुआ था और पुलिस की लापरवाही के तहत आज तक उसकी डेथ बॉडी नहीं मिली है, उनका इंतकाल हो गया है, उसमें भी हमारे अखिलेश यादव जी आए थे। ये ऐसे काम बार बार होते रह रहे हैं और पुलिस पे कोई लगाम नहीं लगा रहे। जो बात आपने शुरू में कही थी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ और 28 दिन से आपको नीतीश भाई अपनी बात बता रहे थे, क्या उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा करी इनको देने की, क्या सरकारी नौकरी देने की बात करी, उनको 50 लाख रुपए देने की बात करी, सिर्फ उन्होंने जांच के लिए कह के बाद अल्लाह जान लिया है। बिल्कुल आएंगे इरफान जी, आएंगे कुछ सवाल और भी, वो भी आज पूछेंगे। चंदन सैनी भी हमारे साथ जुड़े हैं मनीष कुदूस। चंदन आपसे यही जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्या आपको जानकारी है उस दिन गोरखपुर में क्या क्या हुआ, रात को किस तरीके की परिस्थितियां बनी थी? सर मैं 11:30 बजे के बाद हम लोगों को होटल छोड़ करके मैं घर के लिए निकला था जी, तो 12:13 पर मेरे पास अक्षय कुमार मिश्रा चौकी इंचार्ज फल मंडी से फोन आया कि चंदन सैनी बोल रहे हैं, तो मैं बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ। पूछे कि आप गोरखपुर किससे मिलने आए थे, मैं बोला प्रदीप चौहान से मिलने आए थे, तो बोले कि आप जानते हैं इन लोगों को, हम कहे हाँ गुड़गांव से आए हुए मेरे फ्रेंड हैं। तो वो पूछे मेरा घर कि आपका घर कहाँ है, मैं बोला बड़ियापा थाना सिकरीगंज, तो कहे ठीक है हम रूटीन चेकअप पे आए हुए थे, वेरिफिकेशन कॉल थी, तो हम कहे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वापस आ जाऊँ, तो बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आप घर जाइए। तो मैं फिर प्रदीप जी को फोन लगाने लगा कंटिन्यू, लेकिन उनका फोन नहीं रिसीव हुआ। मैं फिर थोड़ा टाइम के बाद अक्षय मिश्रा जी को कॉल किया और पूछा क्या सर कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहने नहीं कोई दिक्कत नहीं आप घर जाइए, वो लोग सो रहे हैं आराम से। लेकिन मैं घर ना जा करके सीधा होटल आया और होटल आया तो रिसेप्शन पे पता चला है कि पुलिस उनको लेकर के गई है। मैं होटल से पूछा कि पुलिस कहाँ लेकर गई है, तो बोले कि मुझे क्या पता कहाँ लेकर गई है, रामगढ़ ताल की पुलिस थी वो लेकर के गए हैं। तो मैं रामगढ़ ताल जाता हूँ पुलिस चौकी पे पूछता हूँ तो बोलते हैं तो कोई आया ही नहीं था। फिर पूछे पता किए कि अक्षय कुमार मिश्रा जी कहाँ के हैं, तो बोले कि फल मंडी के इंचार्ज हैं वो, चौकी इंचार्ज है, तो हम लोग फल मंडी भी गए चौकी इंचार्ज, वहां पर पता किए तो पता चला कि मानसी हॉस्पिटल का कोई मामला है उधर ही देख लीजिए, वहीं गए होंगे। तो मैं मानसी हॉस्पिटल भी जाता हूँ तो मानसी हॉस्पिटल पता चलता है कोई नहीं आया है। फिर मैं होटल कॉल करता हूँ कि सर ये क्या मतलब है, हमारे गेस्ट को परेशान किया जा रहा है, कहाँ पर है कुछ बताएंगे, तो बोले कि आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, अभी मैं चौकी से आ रहा हूँ मेडिकल कॉलेज लेकर के। मतलब चंदन जी क्या आप ये हम मान सकते हैं कि जो पूरा घटनाक्रम है और जो मनीष गुप्ता की पत्नी ने भी बोला कि अभी तक होटल के ऊपर मामला दर्ज नहीं हुआ, जो होटल संचालक है होटल का जो स्टाफ है वो भी इस घटनाक्रम में पुलिस से मिला दिखता है? 100% होटल का ही सारा सब कुछ है, होटल और पुलिस मिलकर के सब कुछ की है, नहीं तो अगर वारदात कुछ होता है तो सेकंड फ्लोर क्यों चेक इन नहीं हुआ, थर्ड फ्लोर पर 512 में क्यों गए जी कमरे। बिल्कुल ये सवाल अहम है, रतीश आपके पास भी आएंगे। इरफान सोलंकी जी इसमें एक सवाल और भी उठता है कि ठीक है पुलिसिंग के लिए जरूर ये बहुत जरूरी चीज है कि जांच पड़ताल की जाए, अगर किसी पर संदेह होता है तो पूछताछ की जाए, वेरिफिकेशन हो, लेकिन अगर कोई होटल में भी रुकने नहीं पाएगा, होटल में ढूंढ ढूंढ के पुलिस मारेगी पीटेगी हत्या कर देगी, तो ये तो बड़ी विकट स्थितियां हो जाएंगी। विवेक तिवारी का मामला हुआ था गोरखपुर में, उनकी हत्या हुई, पुलिस वाले ने मारा था बेवजह, अब यहां पर मामला आ गया तो कैसे ये चीजें रुकेंगी? घटना के बाद विरोध तो ठीक है, लेकिन अगर एक मिशन खड़ा नहीं हुआ ऐसी घटनाओं के खिलाफ तो क्या स्थिति सुधर पाएगी कभी? अच्छा भाई साहब आपकी बात और सवाल मेरा भी है
कि जब मान लीजिए हम हैं, आप किसी होटल में रुके, अनजान शहर में आदमी जाके होटल में रुकता है, जैसे अब मान लीजिए आप दिल्ली या नगपुर से कवर कर रहे हैं, कभी आपका कानपुर आना हुआ तो आप होटल में आके रुके, आपने अपना आईडी दिखाया कि पुलिस सर्विस। भाई साहब यही बात है जो आला अधिकारी है, चलिए माशाल्लाह वो तो समझदार है। बिल्कुल इरफान जी, एक बड़ी खबर आ रही है, आपके पास आते हैं।